आप देख रहे हैं NHI न्यूज, मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड 30 और 31 में नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आज से 6 वर्ष पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, किंतु आज 6 साल बाद भी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना तो दूर, उल्टा 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। देश के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए वार्ड क्रमांक 30 और 31 में राहुल सिंह धाकरे के नेतृत्व में मोदी के जन्मदिन पर उनके नाम की बजाय बेरोजगारी दिवस लिखते हुए केक भी काटा। इस दौरान कार्यकर्ता हाथ में मैं भी बेरोजगार और युवाओं को रोजगार दो ऐसी तख्तियां लेकर बेरोजगारी के विरुद्ध में नारेबाजी भी कर रहे थे। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राहुल सिंह धाकरे ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस नेता पुखराज सिंह राठौर, सुभाष गनावदिया, सुदेश डोंगरे, सतीश परिहार, राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा, राजेश यादव, किशोर डोंगरे, अरुण बोरासी, गुड्डू ठाकुर, पप्पू भाई, अनिल महाजन, शांतिलाल मेमरोट, तनवीर खान, अजय रोशन, मिथुन झकोरे, मुकेश सोलंकी, भारत अहिरवार, राकेश लोदवाल, राहुल लश्करी सहित बड़ी संख्या में वार्ड क्रमांक 30 व 31 के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। ठोकर खाता देश का युवा, माँ बाप देखते आस से हमको, चाय बेच के बन गए पीएम, हम भी क्या अब चाय ही बेचे, दे रहे थे 2 करोड़ नौकरी, बना के अपना हैप्पी बर्थडे, 6 साल हो गए तकते, बख्श दो हमको नरेंद्र मोदी। देखिए 6 वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी सत्ता में ये वादा करके आए थे कि 2 करोड़ नौकरियां मैं युवाओं के लिए पैदा करूंगा, और बहुत सारे वादे करे थे इसके अलावा भी कि पेट्रोल डीजल 30 रुपये लीटर मिलेगा, लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, काला धन आ जाएगा, कई प्रकार के वादे थे। किंतु इसमें जो सबसे मुख्य वादा था वो ये था कि युवाओं को रोज़गार देंगे। तो इस मुद्दे की वजह से युवाओं ने खुले दिल से उन्हें वोट दिया, उन्हें सत्ता में लाए। आज 6 साल हो चुके हैं, 2 करोड़ जो नौकरियां हैं वो तो दूर की बात है, जो लोगों के पास नौकरियां थी वो भी जाने लगी हैं धीरे धीरे। आज की तारीख में 12 करोड़ युवा जो है इस देश का बेरोजगार है। तो आज हमने उनके जन्म दिवस पर हमने सबने मिलकर बेरोजगार दिवस मनाया है, और जब तक सत्ता में मोदी जी की सरकार है और जब तक उन्हें जनता उखाड़ी फेंक देती है, हम हर वर्ष उनके जन्मदिन पर इसी तरह बेरोजगार दिवस मनाते रहेंगे। आपका नाम और पद? मैं राहुल धाकरे, पूर्व सचिव इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। ये कहना चाहता हूँ हमारे वार्ड क्रमांक 30 के सभी हमारे युवा साथी, सभी नेतागण राहुल धाकरे जी के नेतृत्व में आज सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस के रूप में। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है 6 साल हो चुके हैं उनको, और लगातार उनके द्वारा हमारे देश का युवा बेरोजगार होते जा रहा है। उनकी युवा बेरोजगार होकर डिग्री लेकर घूम रहा है दर बदर, मगर उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। मेरे इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं उसमें सबसे अगर 6 साल के अंतर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं सबसे ज़्यादा युवाओं की नौकरी गई तो उनके कार्यकाल में गई है, 6 साल के अंतर गई है। और दूसरा हमारा बेरोजगार युवा ज़्यादा भटकने को मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान भाई मजबूर है, मजदूर भाई मजबूर है, और देश की अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारी देश की संपत्ति को जिस प्रकार से बेचा पूंजीपतियों के हाथों में, ये आज पूरा देश से छुपा नहीं है, सबको मालूम है कि जिस प्रकार से हमारी संपत्तियों को प्राइवेटीकरण करा जा रहा है, जिससे हमारी बेरोजगारी और फैल रही है और देश को हमारे आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। आपका नाम और पद? राहुल प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा।